हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पहाड़ी मैगी। मैगी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन आप इस तरह से एक बार मैगी बनाकर खाइएगा। सच में ही बहुत ही टेस्टी मैगी होती है। पहाड़ों पर ये मैगी बहुत ही फेमस है। तो बस जल्दी से चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि मैगी किस तरह से बनती है। तो मैगी बनाने के लिए हमने लिया है एक आलू, एक टमाटर, एक प्याज, हरी मिर्च 4 और एक मैगी का पैकेट। तो अब सबसे पहले हम एक पैन में पानी लेंगे। ये 2 गिलास हम पानी डाल लेंगे, ये देखिएगा। अब हमें पानी को उबाल लेना है। तो ये देखिएगा, पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम जो इसमें मैगी के अंदर ये पैकेट्स पाए जाते हैं, इन पैकेट्स को हम खोलेंगे और इसका मसाला जो है मैगी मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखिएगा, इसी तरह हमने दूसरा पैकेट भी डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। ये देखिएगा, आलू बहुत ही छोटे साइज़ में हमने काट लिया था। ये देखिएगा, ये हमने कटे हुए आलू डाल देने हैं। और साथ ही अब हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी हमने छोटे साइज़ में काटा था, ये देखिएगा। और इसके साथ ही हम डाल देंगे मिर्च, ये छोटी छोटी मिर्च हमने काटी थी। और प्याज हम डाल देंगे, ये देखिएगा, प्याज भी हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए थे। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमने डाल देनी है। अब देखिएगा, जो दूसरी चीज़ें हमें डालनी है वो क्या डालेंगे। ये देखिए, चिकन मसाला हमने लिया है, ये तकरीबन 1 चम्मच 1 टेबल स्पून हम चिकन मसाला इसमें डाल देंगे। ये देखिएगा, 1 चम्मच भर के मैंने चिकन मसाला ऐड कर दिया है। 1/4 चम्मच गरम मसाला, ये देख सकते हैं, ये 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला डाल देना है। और 1/2 चम्मच हम डालेंगे चंकी चाट मसाला, ये देखिएगा, चाट मसाला हम डाल देना है। अब हम डालेंगे हल्दी, ये देखिएगा, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी जो है ये हमें डाल देनी है, 1 चुटकी हल्दी तकरीबन हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मसाले में जो हमने मैगी मसाला डाला था उसमें ऑलरेडी नमक मिला हुआ होता है, सॉल्ट। तो हम इसमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी में सॉल्ट डाल देंगे। तो बस गाइस, अब हमें इस तरह से ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है सब्जियों को। आप चाहें तो इसमें और सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, जैसे कि मटर अगर आप डालना चाहें, शिमला मिर्च आप बारीक काट करके डाल सकते हैं, गाजर भी बारीक बारीक काट करके डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक के लिए हम ये सब्ज़ियाँ बनाएंगे और सब्ज़ियों को काफ़ी हद तक हमें गला लेना है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग जो हैं वो बहुत ही स्पाइसी मैगी खाते हैं। तो स्पाइसी मैगी का तो मज़ा ही अलग है। जब ठंडी होती है तो ठंड के मौसम में अगर स्पाइसी मैगी खाई जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिएगा, ये हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल गल चुकी हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे मैगी। ये नूडल्स हमने इस तरह से तोड़ लेने हैं, इस तरह से हम नूडल्स डाल देंगे। तो बस गाइस, अब हमें इस तरह से चला लेना है। और पानी हमें इतना डालना है इसमें कि मैगी नूडल्स जो हैं ये बिल्कुल हमारे डूब जाएं। और अगर आप ज़्यादा सूपी नूडल्स खाना चाहते हैं तो वाटर क्वांटिटी आप और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये देखिएगा, ये हमारे नूडल्स डूब चुके हैं। और अब हम इसे ढक करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। ये देखिएगा, आँच मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी है। तो बस 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखिएगा, ये मैंने खोल कर देख लिया है। ये देखिए, बहुत ही जो है डिलीशियस मैगी हमारी तैयार हो चुकी है। और आप ये देखिएगा, ये नूडल्स आप छू करके देखिएगा, ये बहुत ही इलास्टिक टाइप के नूडल्स हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गले नहीं हैं। और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये ध्यान रखना है कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से गल जाए, लेकिन जो नूडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नूडल्स गल जाते हैं तो फिर वो चिपचिपे हो जाते हैं, चिपचिपाहट छोड़ जाते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमारी मैगी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। और बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पहाड़ी स्टाइल मैगी कैसी लगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।